हेलो गाइस, तो आज हम सीखेंगे एक पोर्ट्रेट को परफेक्ट तरीके से कैसे सेट करते हैं। ठीक है, एक पोर्ट्रेट को सेट करने के लिए कुछ तरीका होता है, कुछ मेथड होता है, कुछ टेक्निक्स होता है। तो आज का वीडियो टॉपिक है ये ईच एंड एवरीथिंग ऑफ पोर्ट्रेट सेटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जब पोर्ट्रेट स्टार्ट करते हैं ड्राइंग करने के लिए, हमारा जो रेफरेंस फोटो है उस फोटो को पहले अच्छे से देखो, जितना बार मर्जी उतना बार देखो, ठीक है, लेकिन ढंग से देखना एकदम। एक पोर्ट्रेट के अंदर बहुत सारे टोन होते हैं, ठीक है। टोन यानी आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं लाइट टोन, ठीक है, उसके बाद आते हैं मिड टोन और डार्क टोन। पोर्ट्रेट को प्रॉपर तरीके से सेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना पड़ता है क्या, एक मिडिल टोन लेकर पूरा ओवरऑल जो आपका पोर्ट्रेट है उसमें दीजिए, ठीक है। शेडिंग का मीडियम आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप जब ड्राइंग कर रहे हो तो एक लाइट जो नीब होता है पेंसिल यानी चारकोल का, उससे कीजिए। लाइक 2B यानी 4B आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो रेफरेंस है वहाँ पे जहाँ जहाँ एक डार्क टोन है मैं वहाँ पे एक मिडिल टोन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे पोर्ट्रेट में एक अप डाउन का मामला रहता है बहुत, ठीक है। और हमको पता है कि आप जो जगह होते हैं वहाँ पे लाइट ज़्यादा आते हैं और डाउन जो पोर्शन होते हैं हमारा पोर्ट्रेट में वहाँ पे लाइट कम रहते हैं। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, हमारा नाक के जो नीचे एक शैडो पड़ता है इसको कहते हैं कोर शैडो, ठीक है, मैं उसको सेट दे रहा हूँ। तो दोस्तों अब अच्छे से सेट देने के बाद मैंने एक कपड़ा लिया, ठीक है, और इस कपड़े से मैंने पोर्ट्रेट का जो पूरा पार्ट किया है ना मैं उसे स्मूथ करने के लिए ब्लेंड कर रहा हूँ। तो दोस्तों तुम लोग देख सकते हो कि ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा जो पोर्ट्रेट में स्मूथ भाव जो आ रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा गंदापन भी हो चुका है। लेकिन गाइज अब आएगा असली मज़ा, ठीक है, तुम आगे तक देखते रहो। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हो वो लाइक करने ना भूले, ठीक है, कमेंट किया करो कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है, अपने दोस्त लोगों के साथ जरूर शेयर करना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा पोर्ट्रेट में जो मिडिल टोन और डार्क टोन का एरिया था वो लगभग हो चुका है, ठीक है। और मैं अब एक नीडेबल इरेजर को लेकर हमारा पोर्ट्रेट में जहाँ जहाँ लाइट है और लाइट पोर्शन है मैं वहाँ का जस्ट इरेज कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो कि ये पोर्ट्रेट इरेज करने के बाद कितना रियलिस्टिक लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात, सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है।